हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप टाटा मोटर्स कंपनी में जो है जॉब करना चाहते हो और अगर आप जो है फ्रेशर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का जो नाम है वो है टाटा मोटर्स। तो इस कंपनी के बारे में जो है आपको बताने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी जो है जानती है कि टाटा मोटर्स जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स हो और आपके पास जो है डिप्लोमा है तो आप जो है इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अब डिप्लोमा यानी कि कौन सा? तो जैसे कि आपके पास जो है अगर इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है या फिर जो है मैकेनिकल का डिप्लोमा है, ठीक है, या फिर जो है आपके पास ऑटोमोबाइल का जो है डिप्लोमा है या फिर प्रोडक्शन का जो है डिप्लोमा है, तो ये अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है तो आप जो है इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकोगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 18,000 पर मंथ जो है सैलरी देखने को मिलती है। तो 18,000 जो है ये आपको हर एक महीने जो है सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जो है आपको इतनी सैलरी जो है ऑफर की जाएगी। अब इस टाटा मोटर्स कंपनी में जो है आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या है क्राइटेरिया, चलिए इसको जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है एक फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप जब आप करोगे तभी जो है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकोगे। अब ये फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है, तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाटा मोटर्स कंपनी का नाम है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स है जैसे कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शंस या फिर इलेक्ट्रिकल, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो है गाजीपुर यानी कि दिल्ली में। अब इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है 4 मई 2024 को। इंटरव्यू का जो है कैंपस वेन्यू भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो है श्री गिरिराज महाराज पॉलिटेक्निक कॉलेज, 7 किलोमीटर मथुरा भारतपुर रोड मुंदेसी मथुरा, तो ये यूपी का है। तो यहाँ पर जो है कैंपस इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। लोकेशन के लिए जो है इस लिंक के आधार पर भी जो है आप इस लोकेशन को जो है चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन्स है कि प्रोफेसर अमन सोलंकी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो दिया गया है। यानी कि जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ, तो इस नंबर पर भी जो है आप इनके साथ बात कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी कास्ट जो भी रहेगी, कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, एज, ब्रांच कौन सी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अदर है तो आप अदर में भी जो है यहाँ पर डाल सकते हो। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, और फिर आपको ये जो है ये सबमिट करना है। ये फॉर्म जो भरना है ये अनिवार्य है। जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहले जो है आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो है इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब इसका जो है नोटिफिकेशन भी जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये इनकी तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया था, श्री गिरिराज महाराज पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, और ये अप्रूव बाय AICTE न्यू दिल्ली से है। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, डियर स्टूडेंट ग्रीटिंग, सब्जेक्ट जो है वो कैंपस प्लेसमेंट है, कंपनी का जो है कंपनी का नाम टाटा मोटर्स जो मैंने आपको बताया वो डिप्लोमा के लिए है, ठीक है, जिन्होंने जो है डिप्लोमा पास आउट हुआ है 2020 से लेकर 2023 तक, या फिर जो है 2024 में भी अगर किसने अगर पास आउट किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा जैसे कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का जो डेट है वो है 4 मई 2024 का। टाइम जो है वो है सुबह 10 बजे से जो है ये कैंपस इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू जो है वो इन कैंपस में, डिटेल्स ऑफ कंपनी जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो कंपनी का नाम टाटा मोटर्स, जॉब लोकेशंस गाजीपुर दिल्ली, क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 29 जो है वो यहाँ पर जो है एज लिमिट है 18 से लेकर 29। सैलरी की अगर हम बात करें तो वो है 18,000 इन हैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नोट दी गई है कि सभी जो आवेदक जो है उनको जो है इस लिंक के ऊपर जो है फॉर्म फिलअप करना ही है। जब आप ये आवेदन फॉर्म भरे
जो आवेदन ये फॉर्म भरेंगे केवल वही जो है कंपनी द्वारा जो है इंटरव्यू में जो है यहाँ पर सम्मिलित हो पाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो फॉर्म है इसके पहले जो मैंने आपको लिंक दी थी ये वाली, तो इस फॉर्म को जो है भरना अनिवार्य है। जब आप ये फॉर्म भरोगे तभी जो है आप वहाँ पर जो है इंटरव्यू में जो है आपको शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू का जो है कैंपस वेन्यू भी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आपको ये नहीं समझता है तो यहाँ पर जो है एड्रेस भी जो है गूगल के द्वारा भी जो है आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आप टाटा मोटर्स में जॉब करना चाहते हो और अगर आप जो है डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर जो है इसको जो है डिटेल में चेक करके इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।